दोस्तों यो-यो का एक गाना बहुत ही फेमस हुआ था, आप सभी ने सुना होगा। कौन सा गाना था न्यावो? तो ये गाने को हमने सोचा क्यों ना अमरीश पुरी को दिया जाता तो किस तरीके से करते, लेकिन अमरीश पुरी जी ने कहा कि हम इसे गाएंगे नहीं, हम इसे कहेंगे। तो अमरीश पुरी साहब ने इसे अपने अंदाज में किस तरीके से कहा है, जिस जीत में किसी के ब्लो आज देख लेता हूं ना, उस दिन मैं अपने ही आप अंदर ही अंदर हिप्नोटाइज होने लगता हूं। कसम पैदा करने वाले की, ये तितलियां तो छोटे कपड़ों में बॉम्ब लगती है। प्रेम चोपड़ा साहब से हमने जब कहा तो उन्होंने भी यही कहा कि हम इसे गाएंगे नहीं, हम कहेंगे। तो प्रेम चोपड़ा साहब ने कुछ इस तरीके से कहा, सुना है तेरे कॉलेज में मेरे गाने बैठ है, पढ़ने लिखने का तेरा कोई प्लान है, पास करा दो, फोन करा दो, प्रिंसिपल भी तेरी प्रेम चोपड़ा की बहन है, नंगा नहाएगा क्या, खादर खान साहब के पास। तो खादर खान साहब ने भी कहा कि हम भी इससे गाएंगे नहीं, हम भी कहेंगे। तो खादर खान साहब ने किस तरीके से कहा, देख पहले घर जाएगी या जाएगी तू क्लब? नहीं नहीं, मेरा मतलब है पहले घर जाएगी ना क्लब, क्लब में होगा सर ना, घर पे फिर लो फाइट नहीं लीजिए, फिर क्या करना है। अबे तुझको तो थोड़ा सा बेटर ना भी है बे, क्या करी है। फिर हम पहुंचे बच्चन साहब के पास, बच्चन साहब ने कुछ इस तरीके से कहा, अरे देखिए भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये किसी का लिखा हुआ गाना नहीं है, ये तो बाबू जी की कविता है। और वो कविता कुछ इस प्रकार है, मेरी आंखों में देखा कर जब मैं तुझसे बात करूं, मैं बोल लो ना हो ही नहीं जो कॉलेज तेरे साथ पढ़ूं, वाइट के नीलाया हूं मैं तुझे एक कर दूं, देख लूंगा अशोक बतरी टीचर नो, तो मुझे बाबू जी की याद आ गई। फिर हम लोगों ने सोचा ये तो गाने वाले है नहीं, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना अगर इसको हवाली में किया जाता तो वो किस तरह होती। आइए देखते हैं हवाली इन ब्लू आई। देखा कर जब मैं बात करता हूँ तेरे साथ पढ़ता हूँ मैं तेरे कॉलेज में मेरे गाने बैन है Don't forget to share and subscribe.